हाँ महेश, अब बताओ कि तुम तड़ी पार कैसे बन गए? नासिक से आने के बाद मैंने यहाँ कॉलेज ज्वाइन कर लिया और बोट क्लब के स्विमिंग पूल में नौकरी कर ली, जहाँ एक दिन मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम था मोहिनी। यहाँ कोई लेडी टीचर नहीं है सिखाने को? अरे क्यों मेरे पेट पर लात मार रही हो? यही लात पानी पे मारिए, तैरना आ जाएगा। कोई मर्द मुझे हाथ लगाए ना, उससे पहले मैं डूब जाना पसंद करूंगी। आपकी मर्जी, मगर मुझे लड़कियों को हाथ लगाने में कोई परहेज नहीं। Come on girls, आए ना जाप, come on, come on। जरा इसके नखरे तो देखो महारानी के, और नहीं तो क्या। कोई मर्द मुझे हाथ लगाए, उससे पहले मैं डूब जाना पसंद करूंगी उसके दिल के स्विमिंग पूल में। चल जाओ मोटी, अभी बताती हूँ मैं तुझे इसके स्विमिंग पूल में, रुक जाओ। सीखने वाले को ना सही, डूबने वाले को तो इस बात का परहेज नहीं होना चाहिए कि बचाने वाले के हाथ मर्द के हैं या औरत के। बचने का बहुत बहुत शुक्रिया। कम ऑन गर्ल्स, कम ऑन, कम ऑन, चलो चलो चलो। तेरी यार, अभी तो कॉलेज का वक्त नहीं हुआ, अभी तो बहुत टाइम है यार। अरे यार चाय भी पिला? अरे जरूर, क्या हुआ? अरे मेरी किसी ने पॉकेट मार दी भाई। हाँ? तेरे पास किधर से पॉकेट आएगी? अरे सुबह एक ही मारी थी यार। नहीं मिला। गुलदस्ता है, है? उसको चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं। हाँ? चाय के साथ नाश्ते का बंदोबस्त हो जाएगा। झूमती चली हवा, याद आ गया कोई, झूमती चली हवा। और क्या मन भर गया रे, कुछ भर गया नहीं, कुछ तो लोगे नहीं, थोड़ा कुछ छोटी मोटी चाय 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 और खाने को, खाने को, खाने को। अरे नहीं भैया, ऐसे कैसे हो सकता है। अच्छा अच्छा गुलदस्ता जी, बाबू जी, कभी कभी ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि तेरी चाय ज्यादा मीठी है या तेरी आवाज, कहीं तो चाय में कुल्ला तो नहीं कर रहा। अरे तुमने पुकारा और हम चले आए, मुझे तो जान हथेली पर ले आए। जी जी लक्ष्मण जी की नजर, नजर नहीं कान रे, वही कान तेरे पर पड़े, तू तो चला सीधा HMV स्टूडियो। देखना किसी दिन इसी चाय की दुकान में बैठकर रेडियो पर गुलदस्ते का गाना सुनेंगे। यार तेरा दोस्त म्यूजिक डायरेक्टर है ना? कौन? अच्छा अच्छा, वो जो टीवी प्रोग्राम वगैरह अरेंज करता है, वही जो नए नए लोगों को चांस देता है। यार उसको मिलवा दे इससे। अच्छा मिलवा दे। अरे यार तु, 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 तुम्हारा पैसे कितने? अब आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, अब आपसे क्या पैसे लेना? तो फिर क्या लोगे? नहीं नहीं, आप तो मुझे एक बार उस म्यूजिक डायरेक्टर से मिलवा दीजिए प्लीज। अबे ओ गुलदस्ते, हो गया आया से चाय की पत्ती और शक्कर रख। और सुन, इन लोगों के पैसे अच्छी तरह ध्यान में रखना, तू हमेशा भूल कर जाता है। क्या है सेठ जी, के सरदान लोग हैं और सच्ची कला की सच्ची कदर करने वाले तो इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। अबे चुप, जा उनसे पैसे ले।
क्या है सेठ जी कि आप तो मेरी तनख्वाह में से पैसे काट रहे हैं? क्या बोला? क्या टपोरी लोग, क्या चल रहा है? पटाने का पीरियड चल रहा है। अरे तुम लोग साले क्या लड़कियां पटाओगे, सिर्फ हवा में तीर मारते रहते हो। लाल वाली मेरी, पीली वाली तेरी। अरे गट से तो जाओ, बात करके दिखाओ। ए मुन्ना उस्ताद, तुम ही पटा के दिखाओ एक दो। मुन्ना बॉम्बे की लड़कियां बड़ी खट होती है। अरे नासिक हो या बम्बई, लड़कियां तो लड़कियां होती है। पटाने के लिए शहर के लाइसेंस की नहीं, भेजे की जरूरत है, भेजे की। अरे यही तो मार खा रहा है मुन्ना भाई, मोहब्बत में भेजे की नहीं, दिल की जरूरत होती है, दिल की। वो आनंद बख्शी का गाना याद है? अरे प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है दिल दिया नहीं। क्या है आप मेरी जान लीजिए बस। हाँ बस। साले तुम लोग इतनी फिल्में देखते हो फिर भी नहीं समझते जिस तरह फिल्मों में सिचुएशन पैदा करके हंसाया और रुलाया जा सकता है, उसी तरह जिंदगी में भी मोहब्बत कराई जा सकती है। ओ, यानी ड्रामा करके किसी भी लड़की को अपने साथ प्यार करने पर मजबूर किया जा सकता है। बेशक। ये भाई, ना ये नासिक है ना नौटंकी, सैंडिले पड़ेंगी सैंडिले। नहीं 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 गुरु है, इससे फैसला नहीं होगा। अपने साइकोलॉजी के फार्मूले का इस्तेमाल करके तो बताओ, तब तो जाने। अरे मुफ्त में नहीं, शर्त लगा था तो बोल। लगी लगी सौ सौ की, सौ सौ की। ए पवन देख, सौ सौ की बैठ लगी यार। चल लगी लगी। तो पता है वो क्या कहने लगी? कहने लगी कि लुक, आई एम मिसेस सिंह, हाय। हाँ, वो पिछले साल जो कॉलेज क्वीन थी उसका नाम क्या है? निकिता। हाँ निकिता, निकिता। वो कौन से क्लास में पढ़ती है? मेरी क्लास में। और आप कौन से क्लास में पढ़ती हैं? निकिता के। मेरा मतलब है आपकी बहन ज्योति है ना, उसकी क्लास में। मतलब पहले ज्योति को पटाना पड़ेगा? एक काम कीजिए, अगर ज्योति आप लोगों को मिले तो कहना कि मुझे लंच टाइम में कैंटीन में मिले, बहुत जरूरी काम है। ओके बाय बाय, मैं चलती हूँ। कितनी देर कर दी भैया? तुझे कुछ पैसे चाहिए थे ना, रख ले। पैसे मैंने कब मांगे थे? नहीं मांगे थे। हाय हाय, तो फिर शायद पिक्चर जाने की बात हुई होगी, चल चलते हैं। ये आज अचानक इतना घी लगा कर बातें कर रहे हो, चक्कर क्या है? वो ज्योति, वो जो तेरे क्लास में लड़की है ना, जिसकी नीली नीली आंखें हैं, भूरे भूरे बाल हैं, अरे वही जो पिछले साल कॉलेज में क्वीन हुई थी, निकिता। हाँ हाँ, उससे पहचान करवा देना प्लीज। पूछ लेना बाबा, मैं तो तुम्हारी जान पहचान निकिता से करवा दूंगी, पर तुम्हें भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। कैसी बात करती है तू, भाई बहन की और बहन भाई के काम नहीं आएगी तो और कौन आएगा, बता क्या काम है? ये है मेरी फ्रेंड मोहिनी, इसे तुमसे कुछ काम था, बोलना। फरमाइए जी। मुझे आपके साइकोलॉजी के नोट्स चाहिए थे, और अगर आप खुद पढ़ा देते तो। वो क्या है कि सिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दरअसल टाइम का प्रॉब्लम है। ये तो नाना किया जा रहा है, बहुत भौंका है। अरे भाई वो रही निकिता, निकिता। हाय हाय हाय। हेलो हेलो हाय। व्हाट शी इज लुकिंग यार। अरे आई एम रियली सॉरी। अरे सॉरी क्यों, आई रियली एंजॉयड इट। वैसे आपको कहीं चोट वोट तो नहीं लगी? जी नहीं। आप जरा वहां बैठेंगी? जी वहां बैठिए, बैठिए ना। थैंक यू। आर यू कंफर्टेबल? हाँ। निकिता ये है मेरे भैया महेश। हेलो हेलो, आई एम निकिता शर्मा, आई एम महेश देशमुख। आप ही थे जो साइकोलॉजी में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए थे? हाँ। मैं सोच रही थी अगर आप मुझे सिखा दे तो। क्यों नहीं क्यों नहीं, आपने तो मेरी लाइफ बना दी। जी मैं समझी नहीं। वो बात ही है निकिता जी कि मुझे साइकोलॉजी पढ़ाने का बहुत शौक है, और अगर आप जैसी स्टूडेंट मुझे मिल जाए तो। आप समझ गई ना? लेकिन आपके पास इतना वक्त होगा? वक्त वक्त होता नहीं है,
निकालना पड़ता है, निकालना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच। निकिता जी पढ़ाई आज से क्यों ना शुरू कर दे, लेकिन इस भीड़ भाड़ से दूर कहीं एकांत में जहाँ मैं आप और साइकोलॉजी के सिवा और कोई ना हो, ऐसी जगह चलते हैं। हो गई छुट्टी मोहिनी जी, अब बद्रीनाथ जाके भजन करो। चले आपकी किताब। अरे भैया हम ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, बाय। ये तो गया, चल। लगता है मुन्ना का इंतजार कर रही है, कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम है। अभी मजा चकाती हूँ। निकिता। हाय। चलें? चलो। तुम्हारी गाड़ी का टायर तो पंक्चर हो गया। ओह गॉड, अब क्या होगा? अरे नो प्रॉब्लम निकिता, अपनी इंडियन इंपाला ना, इसमें चलते हैं। बैठो। बैठो क्या? हाँ बैठो ना। चलें?